नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष एक आईटी एक्सपर्ट के नाते आप लोगों के बीच में आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा के अंदर आज बरोदा विधानसभा के ऊपर एक उपचुनाव है, एक सीट के ऊपर, और लगभग 4 घंटे हो चुके हैं वोटिंग होते हुए। अब विपक्ष जो कांग्रेस है, उस द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो पोलिंग एजेंट हैं वहाँ पर, उन पोलिंग एजेंट्स के पास एक प्रिंटर है और एक मोबाइल फोन है। ये सबके पास होता है, ये मोबाइल से चलने वाला प्रिंटर है और ये मोबाइल फोन है। भारतीय जनता पार्टी एक, आप जानते हैं, एक टेक्निकली बहुत सक्षम पार्टी है, हमेशा जोर देती है। आज हमने अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको सुविधा देने के लिए, कोरोना का समय था, शायद हर घर तक पर्ची डिलीवर ना हो पाई हो, लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ECI के रूल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पोलिंग एजेंट्स को एक फोन और एक डिजिटल प्रिंटर दिया, ताकि वो पर्ची निकालकर बूथ पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से उसका पता चल सके कि कौन से बूथ के ऊपर कितने नंबर पर उसका वोटिंग होने वाला है, शायद अगर प्रशासन के द्वारा घर तक ना पहुंचाई गई हो। अब विपक्ष ने उसको एक मुद्दा बना दिया कि EVM हैक कर ली गई है। बार बार सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आए हैं कि EVM को हैक नहीं किया जा सकता। EVM एक ऐसा डिवाइस नहीं है जो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। पोलिंग एजेंट्स ने बार बार बताने की भी कोशिश की कि हम इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं, अंदर मशीन, किसी भी तरह की मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, हम तो केवल एक यहां पर आने वाले जनता, चाहे वो BJP को वोट दे या ना दे, हम उससे ये नहीं पूछ रहे कि आप किस पार्टी को वोट देने वाले हैं। बात है एक वोटर के हेल्थ की, जो मतदाता अपने घर से बाहर निकल कर आ रहा है, बात है उसकी सुरक्षा की। तो मैं विपक्ष को कहना चाहूंगा, अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता भी देता हूं कि हम इसे किस तरह प्रयोग में ले रहे हैं। ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की खुद की एक ऐप है, वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन से खुद कोई भी, किसी भी व्यक्ति का कोई भी डाटा चेक कर सकता है, उसके नाम से, उसकी उम्र से, उसके पता से, कि उसका किस बूथ नंबर पर वोट होने वाला है। एक हम छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो वहां पर बैठे हुए एजेंट्स हैं वो किस तरह से मतदाता का हेल्प कर रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक ऐप है, ऐप के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की सूची है, ये खुद ECI द्वारा प्रोवाइड किया गया है। यहां पर हम देखते हैं कि हमें किस व्यक्ति के लिए कोई पर्ची निकालनी है। मान के चलिए हमें इस व्यक्ति के लिए पर्ची निकालनी है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, हम केवल क्या करेंगे, प्रिंट। स्टार्ट। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, जितनी भी हमारी ECI द्वारा दी गई डिटेल होती है एक पर्ची के ऊपर, मतदाता के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो उसे एक बूथ के अंदर चाहिए, वो आपके सामने है। इस मशीन द्वारा केवल और केवल उस पर्ची की ही स्लिप निकाल दी जाएगी। हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर कैसे ये काम करता है। प्रिंट करो सर। ये एक पर्ची निकल कर आई है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस पर्ची पे दिखाएं। इस पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, केवल और केवल वो इन्फॉर्मेशन जो एक मतदाता के लिए बूथ के अंदर जरूरी है। तो मैं टेक्निकल पर्सन होने के नाते कह सकता हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि आसानी से मतदाता को कोई परेशानी न हो, इजीली वो अपना वोट कास्ट कर सके। क्योंकि इस समय मतदाता के दिमाग के अंदर और मन के अंदर जो सबसे बड़ा डर है वो कोरोना वायरस का है, लेकिन फिर भी मतदाता बड़ा उत्साह दिखा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जीत सच की ही होगी। धन्यवाद।